अभी मैं जमजमाती हुई बारिश में बाहर निकल चुका हूँ अपने, क्योंकि आप सभी को पता है कि मैं जिस रोड से जाता हूँ उस रोड से वापस नहीं आता हूँ। एक नए रोड से नया रास्ता ढूंढते हुए अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता हूँ। और बच्चे नहा रहे हैं, बारिश में मज़ा ले रहे हैं। अभी भी दोस्तों थोड़ी सी और बारिश हो जाए दोस्तों मज़ा आ जाए। सामने पेड़ आ चुका है, आप देख सकते हैं, ऐसे में ही एक्सीडेंट हो जाता है, हमें साइड से निकलने की ज़रूरत है। थोड़ी बारिश दे दो भगवान, बारिश का ही टेक्निक देती है कितना खास है। अभी मैं जमजमाती हुई बारिश में बाहर निकल चुका हूँ अपनी। रामपुर उदय भान में जो काली माता का मंदिर है वहीं पर भी मैं हूँ, और सामने हनुमान जी का मंदिर है जो ITI चौराहा है। एकदम धुआंधार बारिश हो रही है बलिया में, बहुत ज़्यादा तेज भी नहीं है बट इस साल की सबसे तेज बारिश है ये। सामने हनुमान जी का मंदिर है, आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। थोड़ा सा पैंट को ऊपर चढ़ा लेते हैं, अभी मैं लोअर टी शर्ट पहना हूँ, लोअर को थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, पानी सरक रहा है। हम आ चुके हैं मेन रोड पे और चेक करते हैं इस माइक की वॉइस क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी और वाटरप्रूफ की टेस्टिंग। क्रॉस करते हैं इसे, एकदम जबरदस्त बारिश झमझमाती हुई ऊपर गिर रही है और हम आगे बढ़ रहे हैं। ये बलिया का बहादुरपुर है दोस्तों, ये बहादुरपुर है, और बारिश में बाइक राइड करने का एक अलग ही मज़ा आता है। मुझे आगे चल के लंबी लंबी राइड करनी है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ अभी निकल चुका बलिया के बारिश में बाइक राइडिंग का एक एक्सपीरियंस लेने के लिए। इस राइड से मुझे ये पता चलेगा कि आगे मुझे जो भी लंबी राइड करनी होगी, अगर बारिश का सिचुएशन फेस करना पड़े तो उस समय मुझे किन किन बातों का ख्याल रखना होगा। यह बहादुरपुर दोस्तों बलिया का, ये सामने आ गई बहादुरपुर की पुल। आप बलिया के होंगे तो पुल के बारे में जानते होंगे, सामने टेम्पो में से कुछ लोग निकलते हैं। ये कटहर नाला वाली पुल, और हम इसे क्रॉस कर लिए और जीरा बस्ती की तरफ आगे बढ़ेंगे। हनुमानगंज होते हुए हम लोग एक राउंड लगाएंगे, वापस जाएंगे वहीं पे आनंद नगर जहाँ हमारा घर है। पूरे बारिश में जबरदस्त तरीके से मैं चला रहा हूँ और पूरे मुंह में छपा छप छपा जब पत्थर की तरह लड़ रहे हैं ये बारिश की बूंदे, और मैं अपने आप को कोशिश कर रहा हूँ कि ना गिरूँ, क्योंकि अभी समझ में आ रहा है कि बारिश में राइड करना काफ़ी मुश्किल होता है दोस्तों। बारिश में राइड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। जो ये पत्थर है ना, जो ये बारिश की बूंदें हैं पत्थर की तरह अपने ऊपर गिर रही हैं। जबरदस्त वाली बारिश हो रही है फ्रेंड्स, अभी क्रॉस करते हैं इन अंकल जी को, इस कार को, और आगे निकलते हैं। मन था कि बारिश का मज़ा लिया जाए थोड़ा, और आज मैं मज़ा ले रहा हूँ बारिश में राइडिंग का। अभी मैं बहुत दूर तो नहीं निकल सकता, लेकिन सारा एक्सपीरियंस लेना बहुत ज़रूरी था। हम लंबी राइड को पूरा करने से शुरू करने से पहले छोटी छोटी राइड करके अपने एक्सपीरियंस को ले लेंगे तो ये हमारे लिए काफ़ी बेहद अनुभव और महत्वपूर्ण होगा। हमारे फ्यूचर के हिसाब से ये राइड हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली थी, इसलिए हम यहाँ से अब मुड़ जाएंगे दोस्तों, और मुड़ के तीखमपुर से होते हुए वापस चलेंगे, क्योंकि आप सभी को पता है कि मैं जिस रोड से जाता हूँ उस रोड से वापस नहीं आता हूँ।
एक नए रोड से नया रास्ता ढूंढते हुए अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता हूँ और उसी तलाश में मैं अपनी मंजिल की ओर घूम चुका हूँ दोस्तों। और इन गांव के रोडों से होते हुए मेरी मंजिल बलिया जाएगी। अभी मैं पहुँच चुका हूँ हनुमानगंज गांव में और हनुमानगंज गांव में आगे बढ़ रहा हूँ और यहाँ से मैं शंकरपुर की तरफ निकला हूँ और शंकरपुर निकलूँगा, शंकरपुर से फिर मैं वापस तीखमपुर होते हुए बलिया अपने घर पहुँच जाऊँगा। बच्चे नहा रहे हैं, बारिश में मज़ा ले रहे हैं। ये देखिए भाई भी कर रहे हैं इसमें बच्चे। और ये है गांव का मज़ा, बारिश में गांव में कैसा मज़ा आता है, क्या माहौल होता है, आप लोग भरपूर देख सकते हैं। ये मैं पहुंचने वाला हूँ शंकरपुर और शंकरपुर वाले रोड पे हूँ और बारिश लगभग बंद हो चुकी है। लगभग दोस्तों बारिश बंद हो चुकी है, इसीलिए मैं तुरंत निकल गया क्योंकि मुझे राइड का मज़ा लेना था और राइड का मज़ा वही बारिश में। अभी भी दोस्तों बारिश हो रही है और मैं आगे बढ़ रहा हूँ शंकरपुर की तरफ। थोड़ी सी और बारिश हो जाए दोस्तों मज़ा आ जाए। सामने पेड़ आ चुका है, आप देख सकते हैं, ऐसे में ही एक्सीडेंट हो जाता है, हमें साइड से निकलने की ज़रूरत है। देख सकते हैं बारिश में ये लंबे पेड़ अक्सर अटक जाया करते हैं। अगर आप ऐसे रोडों से जाते हैं तो थोड़ा सा आपको सावधान रहने की ज़रूरत है, जैसे पुराने पेड़ हैं वो गिर भी सकते हैं और उस टाइप के अगर पेड़ हैं जो बांस वाले तो वो सब लटक जाते हैं अक्सर। तो कमज़ोर पेड़ों के नीचे से अगर जाएंगे तो थोड़ी सावधानी रखनी आपके लिए बेहद ज़रूरी हो जाती है। थोड़ा बारिश हो रहा है, थोड़ा और बढ़ जाता तो मज़ा आ जाता फ्रेंड्स, क्योंकि बारिश में राइड करने का एक्सपीरियंस लेना बेहद ज़रूरी है मेरे लिए, क्योंकि मेरा सपना है कि मैं ऑल इंडिया राइड करूँ। तो उसके लिए मुझे फिर भी गीले रोड पे राइड करने का एक्सपीरियंस अभी हमें मिल रहा है। अगर आप ऐसे नॉर्मल ड्रेस पे बाइक राइड कर रहे हैं और उसके बाद आप बारिश में राइड कर रहे हैं तो आपको लगेगा कि पत्थर से कोई आपको मार रहा है बहुत तेज, क्योंकि उसकी स्पीड तो बहुत ज़्यादा नहीं होती है लेकिन आपकी स्पीड के वजह से काफ़ी तेज लगता है। वो थोड़ी बारिश दे दो भगवान, थोड़ी सी बारिश अगर भगवान दे दे तो और मज़ा आ जाए। ये नज़ारा आपको गांव में ही देखने को मिलेगा, गांव में अक्सर लोग ऐसे ही जाया करते हैं अगर बारिश होती है। दोस्तों बारिश बंद हो चुकी है और लोग बाहर निकल चुके हैं, गीले हो जाते हैं, उनके कपड़े खराब हो जाते हैं। शंकरपुर से बलिया की तरफ हम बढ़ चुके हैं और चलते हैं वापस। दोस्तों ये बारिश की बूंदें हैं ना, ये पत्थर की तरह चोट दे रही हैं हमें, क्योंकि मैं कोई भी राइडिंग गियर के साथ नहीं हूँ, ना ही कोई फुल, मेरे हाथ पूरे खाली हैं, मैं पेटर्ट, मैं एक टी शर्ट पहन के राइड कर रहा हूँ। बारिश का ये टेक्निक देती है कितना खास है। ये समझ में आ रहा है कि अगर हमें एडवेंचर करना है तो हम कहीं भी कर सकते हैं, ज़बरदस्त मज़ा आ रहा है। और बारिश में तो राइड का एक अलग ही एक्सपीरियंस है। हम उनको
इसको क्रॉस करना चाहते हैं, बट ये ज़्यादा भीगे नहीं, इसलिए इनको भिगाना भी नहीं चाहते हैं। आ चुके हैं अपने घर पे। वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और भगवान से दुआ करिए कि एक लंबी बारिश हो और उस बारिश में हम और आप राइड कर सकें।